अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सुबह बख़ैर और खुश आमदीद। इस दुआ के साथ अपने इस शो का आगाज़ करेंगे कि हमारी इस पाक सरज़मीन को अल्लाह की ज़ात हमेशा महफूज रखे, हिफाजत में रखे, दुश्मनों की नज़र से महफूज रखे। ख़वातीन हुज़रात, आप और मैं सब जानते हैं कि पहला दिन है हफ्ते का, और जब हफ्ता नया स्टार्ट होता है तो बहुत सारे काम होते हैं आपकी लिस्ट के अंदर कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, और बस वो अगर काम होते चले जाएँ तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर मेरी लिस्ट के काम ना हों तो मुझे बहुत टेंशन होती है और बहुत गुस्सा भी चढ़ता है। और गुस्से का इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि अपने इस शो के अंदर हम किसी न किसी एक ऐसी शख्सियत को, ऐसी पर्सनालिटी को ज़रूर बुलाएं और उनसे बात करें जो हमें इन तमाम प्रॉब्लम्स, जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी ज़िंदगी के साथ छोटी छोटी जुड़ी होती हैं, उनका कोई ना कोई हल ज़रूर दे। तो ऐसी ही गेस्ट हमारे साथ आज होंगी, मगर उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि जो पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो 2170 हो चुकी है डेंगू के पेशेंट्स की। और अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएं, मुझे भी इत्तेफाक हुआ पिछले दिनों सैटरडे की नाइट को हॉस्पिटल जाने का, मेरी मदर और मेरी बहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो आई हैड टू टेक बोथ ऑफ देम टू द हॉस्पिटल। आप यकीन कीजिए, वहाँ पर जो सीट्स होती हैं बाहर, जहाँ बेंचेस जहाँ पे लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर भी जितने मरीज़ थे, जिसमें सारे डेंगू के नहीं थे, सारे डेंगू पेशेंट्स नहीं थे, इसमें मलेरिया के भी थे, बीच में टाइफॉइड भी, आपको पता है आजकल हर तरफ फैला हुआ है, बहुत सारे पेशेंट्स थे, मगर वहाँ जाकर वो सब देख कर, आज जिस तरह से आप एक दफ़ा कांप जाते हैं ना, उस तरह के हालात थे और हर एवरीथिंग वाज आउट ऑफ कंट्रोल। बल्कि आप लोगों से गुजारिश है कि ख़ास तौर पर मेरी मदर और मेरी बहन के लिए ज़रूर आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह मियां उन्हें सेहत दे। बहुत परेशानी है, जाहिर आपको पता है कि घर का कोई एक शख्स भी बीमार हो जाए तो बहुत परेशानी हो जाती है। मगर हमेशा मैं अपने शो के अंदर एक बात करती हूँ कि ये जो ज़िंदगी है ना, इस ज़िंदगी के अंदर दुख, परेशानियाँ, मुसीबतों के साथ साथ हमेशा खुशियाँ भी होती हैं, और अगर हम फोकस अपना खुशियों पर रखें और अगर हम वो तमाम अच्छी चीज़ें जो अल्लाह की नेमतें हैं उन पर रखें तो ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाती है। तो एक छोटी सी खुशी, क्योंकि आप लोग अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने दिल की एक ऐसी बात जो मेरी फैमिली का, आपको पता है अगर छोटी सी भी खुशी हो तो फैमिली के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। कल मेरे भाई की शादी हुई है एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी नोइंग द फैक्ट कि इस फैमिली में इस वक्त परेशानी भी है, मगर वो ऐसी खुशी है कि जिसकी वजह से सारे बहुत चहक महक रहे थे। और बस दुआ करें कि आगे अल्लाह जो भी वक्त लाए वो बहुत अच्छा हो और हर किसी के लिए बहुत सारी खुशियाँ और आसानियों का वक्त हो। और प्रोग्राम का जो आज आगाज़ हम लोगों ने किया है, प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी आज इंटरेस्टिंग शख्सियात से आपकी मुलाकात होगी, और शख्सियात जो मैंने आपसे कहा ना कि इंटरेस्टिंग होगी, वो इसलिए क्योंकि उनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी शख्सियात जो शायद बहुत नोन नहीं होती, मगर उनकी बातें सुनकर अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आ रही है, कोई चेंज आ रहा है, तो आई थिंक दैट्स अमेजिंग। और इस तरह की तब्दीली ज़रूर आएगी आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर। मुलाकात होगी अपने तमाम गेस्ट से, मगर यहाँ पर हमें रुकना है ब्रेक के लिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएँगे और अपने गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाएँगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी, खुशामदीद एक दफ़ा फिर आपके शो में, जिसका नाम है सहेली। आपकी सहेली एक दफ़ा फिर मौजूद है और एक और सहेली से आपकी मुलाकात करवाने जा रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज कुछ ऐसी शख्सियात से मुलाकात होगी जिनसे बात करके, मुलाकात करके, सवालात करके आपके बहुत सारी जो गिरहें होंगी ना जहन के अंदर, वो खुल जाएंगी और ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अक्सर अवकात हम लोगों ने देखा है कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत सारे मसले मसाइल का शिकार रहती हैं, और जो ख़ास तौर पर वर्किंग वुमेन होती हैं उनके तो मसाइल डबल हो जाते हैं। उन्होंने घरों को भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है, मियाँ को भी देखना, मियाँ अपने हस्बैंड्स को भी देखना है और अपनी फैमिलीज को भी देखना है, एट द सेम टाइम उन्होंने अपने काम को भी मैनेज करना होता है, जैसे मैं और बहुत सारी ख़वातीन जो काम कर रही होती हैं। तो हमने सोचा कि उनके ऊपर फोकस किया जाए, और जो आज मेरी सहेली यहाँ पर मौजूद हैं, शी इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड MPhil और PhD कर रही हैं, प्राइवेटली क्लिनिक भी चलाती हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज और बहुत सारी ऐसी वर्कशॉप्स कराती हैं जिसमें लोगों की थेरेपीज़ भी होती हैं और उन्हें गाइडलाइन दी जाती है और उनकी काउंसलिंग की जाती है कि किस तरह से इस ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। हमारे साथ हैं फरहत
वसीम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आज हजरा थोड़ी सी देर हो गई पहुंचने में, थोड़ी हमारी तरफ से खता थी, थोड़ी जरा एक मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैं 10 मिनट में यहां मौजूद थी। बात वही करना चाह रही हूँ कि हम 10 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हुई है, और ये इस बात का सबूत है कि ये लोगों की जिंदगी को चेंज नहीं करती बल्कि अपनी भी जिंदगी में जो कहती है वो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट टाइम को मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट। बल्कि रूच अगर देखा जाए ना, तो हम जो वर्किंग लेडीज हैं, यही फर्क है नॉन वर्किंग से, कि हमें पता है ये काम हमने करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जितनी भी वर्किंग लेडीज बन जाएं, हम हर काम साथ साथ करेंगे। दिस इज क्या है, दिस इज व्हाट टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज को टाइम पे करना, टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज फरहत, जो हमारा फोकस है और जो जिस चीज के ऊपर हमने डिस्कस करना है वो ये कि वो खवातीन जो घरों में रहती हैं और वो खवातीन जो घरों से बाहर निकलकर काम करती हैं, दोनों खवातीन के मसाइल जो हैं वो अपने अपने किस्म के होते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है जो घर बैठी हैं उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ों के ऊपर उनको डिप्रेशन होता है, एनजाइटी भी, लेकिन जो खवातीन बाहर निकलती हैं घर से, उनकी एनजाइटी मुख्तलिफ किस्म की होती है, बिकॉज दे हैव टू मैनेज सो मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम। तो सबसे पहले तो वो खवातीन जो घरों से बाहर निकलती हैं और मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटीज़ मतलब सर अंजाम दे रही होती हैं, उनकी जो एनजाइटी होती है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और क्या क्या रीजंस होते हैं उनकी एनजाइटी के? अच्छा, एक तो यहाँ पे थोड़ा सा एज ले जाती हैं वर्किंग लेडीज़। मैं वही बात है, रिसर्च और फाइंडिंग्स के बगैर मेरी कोई बात मुकम्मल नहीं होती। तो मैं भी देख रही थी, जो आमतौर पर ये कहा जाता है कि वर्किंग लेडीज़ जो हैं वो बहुत एक सोशल सर्कल, चूंकि उनका बहुत वसी होता है, बाहर जाना आना मिलना, ये चीज़ उनके डिप्रेशन को ऑटोमेटिकली कम कर रही होती है, मिनिमाइज कर रही होती है। सोशल सर्कल और सोशल जो कॉन्टेक्ट्स हैं आपके, वो ये एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी टेक्निक है जिसको हम, एग्जैक्टली इट इज प्रूव्ड, ये बहुत बड़ी टेक्निक है कि आप अगर डिप्रेस हैं तो आप किसी, वही बात, आप किसी से बात कर रहे हैं, ये सोशल सर्कल बना रहा है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि नॉन वर्किंग लेडीज़ जो घर में काम करती हैं वो डिप्रेशन में और टेंशन में, जो कि रिसर्चेज ने भी शो किया, ज़्यादा उसमें मुब्तला होती हैं। उसका रीज़न ये है कि वो घरों पे रहती हैं। हाँ जी, लेकिन लिमिटेड एक उनका एक सर्कल होता है जिससे वो बाहर नहीं निकलती हैं। बच्चों को देख लिया, घर के काम कर लिए, उनको एज सच अपनी बात कन्वे करने के लिए या इतना ज़्यादा सोशल सर्कल आप कह लें कि वो इतना वसी नहीं होता, हल्का अहबाब, इस वजह से वो टेंशन और डिप्रेशन में जल्दी चली जाती हैं। Like मैं हूँ, आप हैं, हम जब बाहर निकलते हैं तैयार होते हैं। अब तैयार होना भी डिप्रेशन को एट टाइम्स कम कर रहा होता है। यू आर लविंग योर सेल्फ, आप अपनी तैयारी कर रहे हो, खुद मतलब ठीक है, खुद पसंदी होनी नहीं चाहिए, मगर स्टिल अपना ख्याल रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकते अगर आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करते। बिल्कुल, इज दैट ट्रू? डिप्रेशन के पेशेंट जब भी आते हैं मेरे पास, क्लाइंट्स जब भी आते हैं, तो मैं सबसे पहले उनकी अपीयरेंस देखती हूँ, वो किस अपीयरेंस के साथ आए हैं। डिप्रेशन के पेशेंट ऑब्वियसली वो अपने आप पे तवज्जो नहीं देते, और ये सबसे पहला मेरा जो काम होता है कि उनको इस चीज़ के लिए बावर करवाना कि आप बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, आप खुद को तवज्जो दें। जब वो खुद पर फोकस करती हैं तो उनकी अटेंशन रिलीज हो रही होती है, बिकॉज डिप्रेशन में और टेंशन में आपका दिल नहीं चाहता कोई काम करने को, किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता। सो अपीयरेंस जो है इस पे थोड़ा सा जो है, अच्छा, करना पड़ता है। दिल नहीं चाहता, ठीक है। अब अगर कोई शख्स डिप्रेशन, खवातीन जो घर पे होती हैं, ठीक है, अगर वो डिप्रेशन की मरीज हैं या वो नहीं उनका दिल चाहता, अब दिल को कैसे चाहाया जाए ये मुझे बताए ना कि हाउ टू, आई मीन यू नो, ये तो हमें पता है। एट टाइम्स मेरा भी नहीं दिल चाहता, मैं तो रिकॉर्ड, जब ये जो हमारे शूट वगैरह होते हैं इसके लिए मैं तैयार होती हूँ, अदरवाइज घर में आई डोंट फील लाइक, बिकॉज मुझे मेकअप करने का शौक नहीं है। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप से मोहब्बत नहीं करती है ये वो, मगर एट टाइम्स नहीं दिल चाहता, उसमें क्या, उस सूरत में क्या किया जाए? डिप्रेशन में उरूज असल में लैक ऑफ मोटिवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर देते हैं। मोटिवेशन नहीं रहता, दिल नहीं चाह रहा। अब ये मोटिवेशन है जो हमें अंदर से उकसा रही है कि नहीं करना, ये हम खुद को, इसको कहते हैं मांत्रा बोलते हैं इसको। आप इसको मोटिवेशन बोलती हूँ, और मांत्रा टेक्निक ये होती है कि आप खुद को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, सेल्फ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैंने वहाँ नहीं जाना, मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना। ये तो शैतान भी है वैसे। मैं आप इसको मोटिवेशन कहती हैं, मैं इसको शैतान कहती हूँ जो आपको कह रहा होता है। दिस इज नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशन ये होगा कि
मुझे करना है. हाँ, आई नो, लैक ऑफ मोटिवेशन. लैक ऑफ मोटिवेशन ये है, और इसमें यहीं से आपका डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है. right. अब वर्किंग लेडीज और नॉन वर्किंग लेडीज. वर्किंग लेडीज को होता है कि अब जैसे आप कहती हैं कि शूट के लिए आना पड़ता है और आप करती हैं, आप देखें कि आप अगर टेंशन में भी हैं तो आप थोड़ी सी देर के लिए उस एनवायरमेंट में आके अपनी टेंशन को साइड पर रख देती हैं और आप सब कुछ करती हैं. अब ये सोशल सर्कल आपको एक तरफ कॉन्फिडेंस देता है, दूसरी तरफ आपको सेल्फ हेल्प टेक्निक सिखा रहा है कि आपने खुद को किस तरह से मैनेज करना है, सेल्फ मैनेजमेंट. ये चीज लैक करती है नॉन वर्किंग लेडीज में, बिकॉज उनके सामने कोई एज सच गोल नहीं होता, कोई क्लियर, आप जैसे कहते हो ना कि एक पर्पज नहीं है कि हमने बाहर जाना है और कुछ काम करना है. जब हम कुछ करते हैं ना उरूज, तो उससे हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है. ठीक. और ये अब पॉजिटिविटी है वर्किंग लेडीज की जो कि लैक करती है नॉन वर्किंग. बट यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे, हरगिज मेरा मकसद ये नहीं है कि नॉन वर्किंग लेडीज कॉन्फिडेंट नहीं होती. सही. लेकिन जो रिसर्चेस बता रही हैं वो यही कि कुछ ऐसी एलिगेशंस हैं जो हम खवातीन पे लगाई जाती हैं कि ये इनके बच्चे बहुत बहुत इग्नोर होते हैं. चूंकि ये इधर उधर जाती हैं और काम करती हैं, ये घर को टाइम नहीं दे पाती. ठीक. ठीक है. अब ये चीज़ें उस खातून को एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ भी ले जा रही होती है टाइम. जब बहुत से लोग आपको ये रियलाइज़ करवाते हैं कि आप जो मर्जी कर लो, जैसे अब मैं एमफिल मैंने स्टार्ट किया है और मैं पीएचडी इंशाल्लाह मेरा है इरादा, तो अब मुझे बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. ये जो लोग कहते हैं ना, ये आपकी मोटिवेशन को कम कर रहे होते हैं. बिल्कुल सही. बहुत कम लोग होते हैं आपके एनवायरमेंट जो एनकरेज करने वाले हो. बिल्कुल ठीक. इस हवाले से मज़ीद डिस्कस करेंगे किस तरह से आपने अपनी दोस्तों को, अपनी इर्द गिर्द की खवातीन को आपने मोटिवेट करना है. खुद से होना भी है, जो जिस तरह से उन्होंने कहा ना कि आपको अपने आप को खुद लेकर चलना है और बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. इस हवाले से मज़ीद डिस्कस करेंगे, रुकेंगे यहाँ पे ब्रेक के लिए, वापस आएंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे.